So today we shall discuss here ki what is beta. Basically the beta is used in stock market. Share market mein hum beta word, beta term ko use karte hain. Although you have read in financial management, in CAPM model, capital asset pricing model, and what is beta, I had discussed there कि बीटा क्या होता है, वहां भी बताया था. तो फर्स्टली बिफोर स्टार्टिंग द बीटा, वन शुड नो व्हाट इज रिस्क, कि रिस्क क्या होता है पहले ये देखेंगे. रिस्क इज वेरिएशन इन द रिटर्न्स, कि जब आपकी रिटर्न्स क्या करती हैं, वेरी करती हैं. रिटर्न्स का मींस कि यू हैव इन्वेस्टेड इन शेयर मार्केट इन वेरियस इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, कि चाहे आप शेयर्स में पैसे लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं, या एनी अदर सच काइंड ऑफ सिक्योरिटीज, उसमें आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या मिलती हैं, रिटर्न्स मिलती हैं. व्हेन यू हैव डिफरेंट सिक्योरिटीज इन योर बास्केट, कि आपके पास बहुत सारी सिक्योरिटीज हैं, तो दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो. जैसे आपको हम बोलें कि आपका पोर्टफोलियो क्या है, तो आपके अपना नेम बताएंगे, अपनी क्वालिफिकेशंस बताएंगे, अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे. सिमिलर अदर जो भी आपके बैग के अंदर जो भी लुक्रेटिव अवार्ड्स आपने विन किए हैं, जो भी ल्यूरेट्स आपके पास हैं, वो आप बताएंगे कि मेरे पास ये है, तो दैट इज योर पोर्टफोलियो. सिमिलरली व्हेन अ पर्सन हैज डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सिक्योरिटीज, तो दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो. तो कुछ जगह कुछ तीन तरह के इन्वेस्टर मार्केट में हैं, रिस्क फ्री, कि जो लेना ही नहीं चाहते बिल्कुल, रिस्क न्यूट्रल कहते हैं उनको हम, तो वो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि रिस्क तो लेना ही नहीं, तो रिस्क न्यूट्रल. कुछ होते हैं रिस्क सीकर, कि लेना ही है रिस्क, तो मोर रिस्क मोर रिटर्न्स मोर प्रॉफिट, तो दे गो फॉर रिस्क, कि रिस्क बेयरिंग सिक्योरिटीज में पैसा क्या है, इन्वेस्ट होता है. और कुछ रिस्क एवर्सर होते हैं, कि चाहे रिटर्न कम आ जाए, रिस्क ज्यादा नहीं लेना, थोड़ा लेना, उसको रिस्क एवर्सर बोलते हैं. तो दिस इज कॉल्ड रिस्क, कि व्हेन योर रिटर्न्स वेरी, कि जब आपकी रिटर्न्स की मार्केट में जो भी, क्योंकि शेयर मार्केट जो आपकी सेंटीमेंट से चलती है ना. हम एक जनरल एग्जाम्पल में क्लास में बताता हूँ कि जब आप छींक मारते हैं, है ना, इन्फेक्शन साथ वाले को होता है, तो कहीं ना कहीं अगर प्रिकॉशन नहीं लेगा तो कोल्ड होगा. तो सेम हेयर, बिकॉज इन दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, कि इन दिस इरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि व्हेन द इकोनॉमीज आर इंटरलिंक्ड, ये सारी जुड़ी हैं, अगर कोई अमेरिका या एनी अदर कंट्री अनफेवरेबल मूव लेगा तो उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर आएगा, तो अल्टीमेटली शेयर मार्केट विल अप और डाउन. बजट में अगर गवर्नमेंट ने कोई अनफेवरेबल मूव दे दिया तो मार्केट क्या हो जाएगी, डन, नीचे आ जाएगी, डाउन हो जाएगी. तो आपकी सेंटीमेंट शेयर मार्केट को क्या करती है, अफेक्ट करती है, मींस देयर इज अ रिस्क. आपके रिटर्न्स उससे क्या करेंगी, वेरी करेंगी. तो इस रिस्क को मेजर करने के लिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क, वन इज कॉल्ड सिस्टमैटिक रिस्क एंड अदर इज कॉल्ड अनसिस्टमैटिक रिस्क. सिस्टमैटिक रिस्क विच इज नॉन डाइवर्सिफाइबल या अनडाइवर्सिफाइबल कह सकते हैं, विच इज मेजरेबल बट वी कैन नॉट कंट्रोल. मेजर तो कर सकते हैं कितना रिस्क है मार्केट में, बट उसको कंट्रोल करना क्या है, दैट इज डिफिकल्ट, क्योंकि वो तो मेरी रीच से बाहर है. तो सिस्टमेटिक रिस्क इज कॉल्ड बीटा है, कि उतना तो आपको लेना ही पड़ेगा रिस्क, तो दिस कैन नॉट बी अवर्टेड, इसको हम टाल ही नहीं सकते, ये तो है ही है, मार्केट के अंदर इतना रिस्क हमेशा रहेगा. तो सिस्टमैटिक रिस्क इज मेजर्ड बाय बीटा, सो दिस इज कॉल्ड बीटा. कौन कौन से होते हैं सिस्टमैटिक रिस्क, रिस्क को बीटा से मेजर करते हैं. इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो रही है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो दिस इज सिस्टमैटिक रिस्क. आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी अनाउंस करती है, उसमें इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देती है,
गवर्नमेंट कोई रेगुलेशन लेके आ जाती है तो हमारे कंट्रोल में नहीं है ये चीजें। तो सच टाइप ऑफ रिस्क आर कॉल्ड सिस्टमेटिक रिस्क। तो दीज कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, कि इनको नियंत्रित नहीं कर सकते। डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। डाइवर्सिफाई कैसे करेंगे? नॉन डाइवर्सिफाइबल है कि उस सिक्योरिटी से निकाला, दूसरी में इन्वेस्ट कर दिया आपने, यही हो सकता है। तो इस रिस्क को सिस्टमेटिक रिस्क इज कॉल्ड बीटा है। तो ये तो डेफिनेशन क्लियर हो गई कि बीटा क्या होता है। क्लियर यहां तक चलें आगे। उसके बाद है कि बीटा को हम स्टैटिस्टिकली मेजर कैसे करते हैं। पढ़ के आते हैं, ध्यान नहीं देते, सब कुछ पढ़ा। वेरियंस एंड कोवेरियंस पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। अब मैं बता रहा हूं रिस्क को मेजर कैसे करते हैं। मेजर किस तरह से हम देखेंगे कि प्लस हमारे रिटर्न्स पॉजिटिव हैं या फिर रिटर्न्स क्या है नेगेटिव हैं, ये कैसे मेजर करेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला भी अभी करेंगे। तो मेरी जो इंडिविजुअल सिक्योरिटी है जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है, जिसमें आपने पैसा क्या किया, इन्वेस्ट किया, वो इंडिविजुअल सिक्योरिटी मीन्स रिटर्न ऑन एसेट्स, बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स फॉर ए पर्सन, तो दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन एसेट्स। अब उसको हम क्या करते हैं, जो मार्केट में स्टॉक्स हैं, हम एक बेंचमार्क इंडेक्स लेते हैं। जैसे हमने उस कंपनी को देखा कि वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, या वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, या एनी अदर स्टॉक एक्सचेंज पे क्या है लिस्टेड है, दैट इज कॉल्ड बेंचमार्क इंडेक्स, कि वहां रिटर्न्स कितनी आ रही हैं और हमारी सिक्योरिटी पे रिटर्न्स कितनी आ रही हैं, उससे उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हमारी सिक्योरिटीज के अंदर जो रिस्क है दैट इज कॉल्ड वेरियंस, इंडिविजुअल सिक्योरिटी का जो रिस्क होगा। जब उसको रिलेटिव इंडेक्स से आप क्या करेंगे, मेजर करेंगे। रिलेटिव का मतलब बेंचमार्क इंडेक्स से जब उसको आप कंपेयर करेंगे, उससे रिलेट करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड कोवेरियंस। को का मतलब रिलेट, वेरियंस का मतलब वेरिएशन। तो यहां टर्म जो बीटा को मेजर करते हैं, जो फॉर्मूला बुक्स में पढ़ेंगे, कभी टाइम मिले तो पढ़ना, सिक्योरिटी एंड पोर्टफोलियो एनालिसिस की बुक है, कोई भी पढ़ लेना, सब में गिवन होगा। डिनोमिनेटर इज कॉल्ड वेरियंस एंड न्यूमरेटर इज कॉल्ड कोवेरियंस। तो कोवेरियंस डिवाइडेड बाय वेरियंस इज कॉल्ड बीटा। हो गया खत्म। सिंपल टर्म्स में स्टैटिस्टिकली, बिकॉज वी आर यूजिंग एक्सेल, तो एक्सेल के अंदर हम क्या करेंगे, न्यूमरल, न्यूमेरिक वर्ड्स में उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो न्यूमेरिक स्टैटिस्टिकली इट कैन बी मेजर्ड थ्रू वेरियंस एंड कोवेरियंस। वेरियंस इज कॉल्ड इंडिविजुअल सिक्योरिटी रिटर्न्स एंड कोवेरियंस की जब उसको मार्केट से रिलेट, तो वेरियंस हमेशा डिनोमिनेटर होता और कोवेरियंस न्यूमरेटर होता, क्योंकि रिलेट किया आपने उस सिक्योरिटी को। क्लियर हो गया ये स्टैटिस्टिकली। एक फॉर्मूला तो ये है, दूसरा फॉर्मूला, क्योंकि एक्सेल तो रेडीमेड फॉर्मूले भी देती है ना, जब आप रिग्रेशन पढ़ा है, स्टैटिस्टिक सभी पढ़ी है, तो रिग्रेशन का मींस क्या होता है, टू रिग्रेस, कि टू मूव बैक, पीछे जाना, कि जब आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन होते हैं तो वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। यही कॉन्सेप्ट ही तो है, प्रिडिक्शन करना, एस्टीमेट करना। तो ये भी तो वही है फॉर्मूला, आपने पढ़ा वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये फॉर्मूला था। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का वेरिएबल है दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो राइट साइड का वेरिएबल है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो मार्केट के प्राइसेस हैं वी कैन नॉट कंट्रोल, अपने आप फ्लक्चुएट होंगे वो। तो आप बार बार पढ़ते आए, डिमांड में भी आपने पढ़ा कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, डी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी लिखते हैं, कि प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। तो राइट साइड का जो वेरिएबल है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, अपने आप चेंजेस आएंगे। कि मार्केट जब अपने आप को करेक्ट करती है तो चेंजेस तो आएंगे, तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, मेरी डिमांड या सेल्स पे आएगा। सेल्स फोरकास्टिंग में भी मॉडल पढ़ते हैं। तो रिग्रेशन मॉडल के अंदर जो बी है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स आपने यूज किया है, तो बी इज कॉल्ड बीटा, दैट शोज द स्लोप ऑफ द लाइन, कि स्टेट जाएगी या थोड़ी सी मूव हो जाएगी।
तो वेरिएशन ही तो बोला मैंने, वेरिएशन इन रिटर्न्स इज कॉल्ड रिस्क. तो इट मींस देयर इज अ रिस्क. जब वो अपनी लाइन, अपने वे से, अपने रास्ते से जब वो डाइवर्ट हो जाएगी तो वो क्या होता है? बीटा ही तो होता है, वेरिएशन ही तो है, इसका मतलब देयर इज अ रिस्क. तो इस तरह हम बीटा को कैलकुलेट करते हैं. तो इसके लिए एक्सेल के अंदर एक फंक्शन है दैट इज कॉल्ड स्लोप, बिकॉज बीटा मेजर्स द स्लोप ऑफ द लाइन. तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्लोप फंक्शन यूज करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेशन है. हो गया क्लियर? तो ये डिफरेंट डिफरेंट की, एक तो आप खुद से कैलकुलेट करें, वेरिएंस चाहिए, कोवेरिएंस चाहिए, और आपको क्या चाहिए इससे कैलकुलेट करो. दूसरा स्लोप मेथड से आप यूज कर सकते हैं. अब y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स आपने लिया, a क्या है, व्हाट इज ए, कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट आप लिखते हैं उसको. कितने कांस्टेंट चेंजेस तो आएंगे, बाकी फ्लैक्चुएट होंगे विद द मार्केट, विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो वो हम इसमें कंप्यूट करते हैं. तो स्लोप फंक्शन भी क्या है, बीटा के लिए यूज होता है. अब एनालाइज कैसे करेंगे, दिस इज अ क्वेश्चन. ये तो मीनिंग हो गया. अब तक हमने जो किया, व्हाट वी हैव डन, कि व्हाट इज रिस्क, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिस्क, इट कैन बी मेजर्ड थ्रू बीटा एंड व्हाट इज बीटा, एंड व्हाट आर द फंक्शंस फॉर कंप्यूटिंग द बीटा. नाउ हाउ टू एनालाइज कि बीटा, इफ बीटा इज लेस देन वन व्हाट डज इट शो, इफ बीटा इज ग्रेटर देन वन तो व्हाट डज इट सिंबलाइज, एंड बीटा इज इक्वल टू वन तो व्हाट डज इट मीन, एंड बीटा इज इक्वल टू जीरो तो उसका मीनिंग क्या है. तो इसको कैसे एनालाइज करेंगे, तो बीटा इज ग्रेटर देन वन इसका मतलब क्या है कि मेरी जो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज की रिटर्न है वो मार्केट से ज्यादा आ रही है, मार्केट से ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, तभी तो रिस्क ज्यादा लूंगा, मोर रिटर्न्स तो तभी आएंगी ना. तो बीटा इज ग्रेटर देन वन इट मींस कि जो आपकी सिक्योरिटी की रिटर्न्स है दैट इज मोर देन द मार्केट रिटर्न्स. इफ बीटा इज लेस देन वन, अपोजिट सिचुएशन कि इंडिविजुअल सिक्योरिटी रिटर्न्स आर लोअर देन द मार्केट रिटर्न्स. अब बीटा इज इक्वल टू जीरो, नो वोलेटिलिटी, इसका मतलब रिस्क ही नहीं है. आप लगाते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती, कोई रिस्क ही नहीं है. रिस्क प्रीमियम चाहिए अगर आपको, मीन्स आपको ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है तो वी हैव टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट. तो हम हमेशा कहां करेंगे इन्वेस्ट, शेयर मार्केट में करेंगे. तो ये बीटा है. तो इस तरह एनालाइज करेंगे कि बीटा इज लेस देन वन, बीटा इज ग्रेटर देन वन, एंड बीटा इज इक्वल टू जीरो, एंड इक्वल टू वन मींस न्यूट्रल. तो दिस इज अप टू यू कि वेदर यू हैव टू गो फॉर रिस्क फ्री सिक्योरिटीज और वेदर यू हैव टू गो फॉर रिस्क टेकिंग सिक्योरिटीज. तो बीटा इक्वल टू वन तो न्यूट्रल है, कि आपकी मर्जी है कि रिस्क लेना है नहीं लेना है, वो तो आपने डिसाइड करना है. अनडिसाइडेड टर्म होती है इसलिए इक्वल टू वन नहीं लेते. तो बीटा ग्रेटर देन वन अगर शॉर्ट में समराइज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, बीटा ग्रेटर देन वन अग्रेसिव, कि मींस वी वुड लाइक टू टेक मोर रिस्क, अग्रेसिव, एंड बीटा लेस देन वन डिफेंसिव, कि हम लेना नहीं चाहते, और बीटा इक्वल टू जीरो नो वोलेटिलिटी. वोलेटिलिटी का मीन्स रिस्क ही होता है, कि कोई रिस्क है ही नहीं, लेना ही नहीं है. इक्वल टू जीरो का मतलब मार्केट में रिस्क ही प्रिवेल नहीं करता है, तो वो इक्वल टू जीरो है. क्लियर हो गया? तो इस तरह बीटा को एनालाइज करेंगे. तो आप छोटी छोटी पिकिनरी थिंग्स की एक छोटा सा मीनिंग मैं आपको बता देता हूं. देखो फर्स्ट स्लाइड है कि व्हाट इज बीटा. अब बीटा इज मेजरमेंट ऑफ वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी स्टैंड फॉर रिस्क. बीटा इज ऑल्सो रेफर टू एज बीटा कॉफिशियंट, क्योंकि अभी आपको मैंने रिग्रेशन इक्वेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ये था, तो b स्टैंड फॉर कॉफिशियंट, तो दैट इज बीटा. तो सो बीटा इज ऑल्सो कॉल्ड बीटा कॉफिशियंट. तो बेसिकली पर्पज क्या है कि वी हैव टू मेजर द रिस्क. तो इट इज यूज टू गेज द वॉलेटिलिटी ऑफ ए स्पेसिफिक सिक्योरिटी.
दैट इज योर इंडिविजुअल सिक्योरिटी जो आपने परचेस की. बाय कंपेयरिंग इट टू द परफॉर्मेंस ऑफ ए रिलेटेड बेंचमार्क जो मार्केट की रिटर्न्स होंगी, अपनी इंडिविजुअल सिक्योरिटीज की रिटर्न को मार्केट की सिक्योरिटी से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. दैट इज कॉल्ड बेंचमार्क इंडेक्स. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिपेंड करेगा आपने जो रिटर्न्स मेजर करनी है, वीकली करनी है, डेली करनी है, मंथली करनी है, क्वार्टरली करनी है. तो इसलिए ओवर अ पीरियड ऑफ, तो यू हैव टू डिसाइड इफ इट इज अ शॉर्टर पीरियड मोर फ्लक्चुएशंस, लॉन्गर पीरियड लेस फ्लक्चुएशंस. हम बार बार बात करते हैं कि जब भी हमारे थ्री टाइप्स के प्लेयर हैं मार्केट में, वन आर कॉल्ड स्पेकुलेटर्स, सेकेंड आर आर्बिट्रेजर्स एंड थर्ड आर हेजर्स. तो जब हेजिंग करनी है कि रिस्क एंड रिटर्न को आपने मैच करना है, तो वी गो फॉर डेरिवेटिव मार्केट, उधार अगले चौक से, है ना हिंदी में. तो वहां जाएंगे अगर कैश कि मेरा सपना बड़ा पैसा पड़ा हमारे पास, फिर हम क्या करेंगे, स्पॉट मार्केट में जाएंगे, शेयर मार्केट में बैंक से डायरेक्ट डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे, कैलकुलेट उसी से ही हमारे पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, तो वो स्पॉट मार्केट. तो हेजिंग डेरिवेटिव मार्केट इज यूज्ड फॉर हेजिंग बेसिकली. तो इंडिया में जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर स्पेकुलेटर्स, दे आर नॉट हेजर्स, दे आर नॉट invest like arbitrageurs, they only invest like speculators. Ki we invested 100 rupees today and in the evening one should get 150, 200. So this is speculation. To isliye market aapki sentiment dekho ki mera sentiment kya hai, gain gain shaam tak. To isliye market to crash hogi na, kahin na kahin downfall aayega, to sentiment se chalta hai market. तो इसलिए हम बेंचमार्क से उसको क्या करेंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि डेली की रिटर्न्स को, वीकली रिटर्न्स को या फिर मंथली रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे. तो ये वही चीज है, फंडामेंटल एनालिसिस टू डिटरमाइन द वोलेटिलिटी. किसी पर्टिकुलर एसेट का भी कर सकते हैं. पोर्टफोलियो बताया कि व्हेन वी हैव वेरियस सिक्योरिटीज इन आवर बास्केट, कि हमारे पास बहुत सारी सिक्योरिटीज हैं, कुछ रिस्क फ्री है, कुछ रिस्क बियरिंग है, दोनों हो सकती हैं. तो यही चलेगा कंटिन्यू. तो ये मैंने पहले बता दिया, सीएपीएम मॉडल आपने यूज किया था बीटा को कैलकुलेट करने के लिए. फॉर्मूला मैंने उस टाइम भी डिस्कस किया कि आरएफ इज इक्वल टू आरएफ प्लस, फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप कैलकुलेट करते हैं, के ई इज इक्वल टू आरएफ, आरएफ का मींस रिस्क फ्री रेट, प्लस बीटा इन टू में ब्रैकेट स्टार्ट आर एम माइनस आर एफ. तो ये फॉर्मूला था हमारे पास, आर एम माइनस आर एफ स्टैंड फॉर रिस्क प्रीमियम, कि मार्केट रिटर्न्स आर हायर देन द रिस्क फ्री रिटर्न्स, तो दैट इज कॉल्ड रिस्क प्रीमियम. अब प्रीमियम कब मिलेगा, जब बीटा एक्सीड करेगा, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय मोर बीटा मोर रिटर्न्स. तो इसलिए रिस्क प्रीमियम बीटा इनटू में आरएम माइनस आरएफ, दिस इज कॉल्ड रिस्क प्रीमियम. तो टोटल रिटर्न्स कितनी आ रही, इसलिए हमने के इज इक्वल टू आरएफ प्लस बीटा इनटू आरएम माइनस आरएफ करते हैं. तो कैंप मॉडल से एनालाइज करते हैं. ये मैंने बता दिया, बीटा लेस देन वन, बीटा ग्रेटर देन वन, व्हाट डज इट शो. देखो बीटा ग्रेटर देन वन, अब वो इन्वेस्टर पे डिपेंड करता है, ये रिस्क एवर्स है, रिस्क सीकर है या न्यूट्रल है, उसने क्या करना है. अब जो रिस्क एवर्स होगा ही वांट्स लोअर बीटा, जो रिस्क सीकर होगा ही वांट्स मोर बीटा, क्योंकि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट मोर. तो इस तरह देखो, ये मैंने आपको बताया था, न्यूमरेटर के अंदर क्या होता है, कोवेरियंस, और डिनोमिनेटर के अंदर क्या होगा, तो किससे मेजर करेंगे, बेंचमार्क इंडेक्स से. तो हमारी एसेट, एसेट का मीन्स इंडिविजुअल सिक्योरिटी, और मार्केट की जो रिटर्न होंगी, जो बेंचमार्क इंडेक्स बीएससी पे मेजर कर रहे हैं या स्टैंडर्ड एंड पुअर, डिफरेंट टाइप के इंडेक्स हैं. जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बीएससी 30, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स है, 30 कंपनीज लिस्टेड है, इसलिए नाम बीएससी 30 है. एनएससी का जो इंडेक्स है दैट इज कॉल्ड निफ्टी, 50 कंपनीज उस पर लिस्टेड है, इसलिए निफ्टी 50, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50, तो इसलिए शॉर्ट में निफ्टी.
तो वो उसके थ्रू मेजर कर सकते हैं, और बहुत सारे इंडेक्स हैं उसके अंदर, फिर इंडेक्स हैं जैसे S&P है, स्टैंडर्ड एंड पुअर, उस पर आप मेजर कर सकते हैं, बेंचमार्क इंडेक्स, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE लिखते हैं, उस पर आप मेजर कर सकते हैं, वो कंपनी लिस्ट होनी चाहिए। तो डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ द मार्केट रिटर्न, ये फॉर्मूला देखो शॉर्ट में लिख दिया, को वेरियंस ऑफ RP कॉमा RB, ये नीचे लिखा है देखो, RB स्टैंड्स फॉर एंड RP स्टैंड्स फॉर, मार्केट की जो रिटर्न है वो क्या है, RB और जो आपकी इंडिविजुअल रिटर्न है, सेट की रिटर्न है, दैट इज RP। तो ये भी वही फॉर्मूला है देखो, कॉरिलेशन के थ्रू, स्टैटिस्टिक्स में जो रिस्क मेजर होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन से मेजर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन से आप मेजर करते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ योर इंडिविजुअल सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, दोनों का देखो रिस्क ले लिया हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मार्केट वाला स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों का रिस्क इनटू कॉरिलेट कर दिया, वही सेम फॉर्मूला है, कॉरिलेशन इनटू वेरियंस, कोवेरियंस ही तो होता है, वहां हमने डायरेक्ट मेजर कर दिया। तो इस तरह भी आप कंप्यूट कर सकते हैं, तो डिफरेंट फॉर्मूलाज हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल, MS एक्सेल, हम तो कॉमर्स, वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स, तो वी हैव टू मेक द बिजनेस एनालिसिस, वी हैव टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस, बजटरी एनालिसिस हम करते हैं, बजट्स बनाते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपने मैनेजीरियल अकाउंटिंग में किया है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो वो भी तो एनालिसिस है ना, कि एनालिसिस ऑफ वेरियंस, मार्जिनल कॉस्टिंग करते हैं तो वेरियस एप्लीकेशन है, वहां भी प्राइस देखना है, कॉस्ट देखना है, प्रॉफिट देखना और वॉल्यूम देखना, तो डिफरेंट टाइप के एनालिसिस, तो इसलिए हम एक्सेल में टर्म यूज करते हैं व्हाट इफ एनालिसिस, कि व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस, तो जब आपने डिसीजन मेकिंग करनी है तो MS एक्सेल यूज होता है बिजनेस एनालिसिस के लिए, तो इसलिए एक्सेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, सबसे ज्यादा यूज करते हैं, हालांकि हमारे सिलेबस में थोड़ा कम है पार्ट, बट यूज होता है, जितना है इसी से गुजारा करेंगे। तो बीटा इस तरह कंप्यूटेशन होगी, तो ये सिस्टमैटिक रिस्क या मार्केट रिस्क भी इसी को बोलते हैं, ये डिफाइन कर दिया मैंने, सिस्टमैटिक रिस्क इज एन अनडाइवर्सिफाइबल मेजरेबल इनहेरिएंट, क्योंकि अलग नहीं कर सकते आप उसको, दैट इज एसोसिएटेड, क्योंकि मार्केट है, मार्केट को हम करेक्ट कैसे करेंगे, मार्केट खुद करेक्ट होती है डिमांड एंड सप्लाई से, हम करेक्शन नहीं करते मार्केट में, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वी कैन नॉट टेम्पर, छेड़छाड़ तो हम कर ही नहीं सकते। कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क इज एक्सप्रेस्ड एज, ये बता दिया, रिस्क को हम स्टैंडर्ड डेविएशन से डिनोट करते हैं, तो ये टाइप्स हैं, गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट पॉलिसी चेंज करती है, टैक्स के रेट्स इंक्रीज कर देती है, इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो जाता है, RBI एक रिस्ट्रिक्टिव क्रेडिट पॉलिसी, रिस्ट्रिक्टिव का मीन्स इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो RBI अगर प्रमोगुलेट करती है या अनाउंस करती है इस तरह की पॉलिसी, तो वो भी मार्केट रिस्क है। ये समराइज कर दिया कि बीटा क्या है, वॉलेटिलिटी को मेजर करता है मार्केट बेंचमार्क से, ये भी बता दिया आपको बीटा इक्वल टू 1 क्या है, ग्रेटर देन 1 क्या है और लेस देन 1 क्या है, इसकी भी समरी है आगे, डिफेंसिव एग्रेसिव, वो उल्टा लगा हुआ है साइन, उसको ठीक कर लेना, ये वेरियंस एंड कोवेरियंसेस आपको बता दिए क्या होते हैं, कि ओवरऑल मार्केट रिस्क मेजर करते हैं वो कोवेरियंस, एसेट का करते हैं तो वो क्या है, और जब उसको कंपेयर करते हैं मार्केट से तो वो वेरियंस। ये स्लो फॉर्मूला देखो, ये रिग्रेशन लाइन का स्लोप है, क्योंकि हमने शेयर मार्केट से ऐड करना है, तो वाई इज इक्वल टू A+BX की जगह हमने क्या लिख दिया, RI का मतलब मेरी इंडिविजुअल सिक्योरिटी का जो रिटर्न है, I मीन्स इंडिविजुअल,
इसलिए आर आई यूज किया, इक्वल टू अल्फा जो इंटरसेप्ट है, जो कॉन्स्टेंट है, दैट इज कॉल्ड अल्फा. और बीटा स्टैंड फॉर कि सिस्टमेटिक रिस्क इन द मार्केट, कि मार्केट की जो रिटर्न्स है वो बीटा से क्या करती है, फ्लक्चुएट होती हैं. तो इसलिए बीटा इनटू आरएम. तो मार्केट रिटर्न्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिविजुअल रिटर्न्स आर डिपेंड्स अपॉन मार्केट रिटर्न्स, इसलिए वो डिपेंडेंट वेरिएबल. तो ये स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन शो करता है जो बीटा है. तो देखो ये स्लोप फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे एक्सेल में, स्लोप नोन वाई नोन एक्स. नोन का मतलब गिवन. कभी आप सोचो व्हाट डू यू मीन, व्हाट डज इट डिनोट, कि नोन नोन क्या है. नोन स्टैंड फॉर गिवन, वाइज वैल्यू गिवन, एक्स वैल्यू गिवन. तो एरे का मीन्स वैल्यूज जो आपको गिवन होती हैं, जो आप सेल आप पढ़ते हैं, रो एंड कॉलम पढ़े हैं ना, कि इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ए सेल. और जहां कर्सर होता है वो एक्टिव सेल होता है. तो वो एरे है A1, A2, A3. A means कॉलम एंड 1 means रो, 2 means रो, 3 means रो. इस तरह आप लिखते हैं, सीक्वेंस आप बनाते हैं, सीरीज, तो उसको हम एरे बोलते हैं. तो एरे y की वैल्यूज एंड x की वैल्यूज. अब हमें देखो क्या क्या रिक्वायर्ड होता है. हिस्टोरिकल डेटा आप यूज करेंगे. अभी हिस्टोरिकल का मीन्स अभी बताया कि डेली की रिटर्न्स लेते हैं. आज शाम को 3 बजे मार्केट क्लोज हो जाएगी, तो वो क्या होंगी, क्लोजिंग वैल्यूज होंगी, क्लोजिंग प्राइसेस होंगे. मॉर्निंग में फिर क्या होगी, स्टार्ट होगी, वो ओपनिंग प्राइस हो जाएंगे. तो हिस्टोरिकल का मतलब जो बंद हो गया, जो प्राइस खत्म, तो वो हिस्टोरिकल डेटा. तो फर्स्टली एस्टिमेशन पीरियड इज रिक्वायर्ड, कि आपने जो रिटर्न्स लेनी किस पीरियड की चाहिए आपको, लॉन्ग रन शॉर्ट रन, पीरियड कितना आपने क्या उसके अंदर कितना पीरियड एस्टिमेट करना है, कि लॉन्ग रन हो या फिर क्या हो शॉर्ट रन. शॉर्ट रन होगा तो फ्लक्चुएट ज्यादा करेंगे रिटर्न्स, लॉन्ग रन होगा फ्लक्चुएशन इज लेस. तो फर्स्टली यू हैव टू एस्टिमेट कि वी हैव टू एनालाइज द बीटा फॉर लॉन्गर पीरियड और बीटा फॉर ए शॉर्टर पीरियड. दूसरा रिटर्न इंटरवल, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, दिस इज कॉल्ड रिटर्न इंटरवल, कि किस इंटरवल की रिटर्न आपको रिक्वायर्ड. एंड थर्ड वन इज चॉइस ऑफ मार्केट इंडेक्स, BSE, NSE, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या एनी अदर, कौन सा मार्केट इंडेक्स जिस पे आप उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के रिटर्न. तो दिस इज यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा, कि जब आप रिटर्न्स को एनालाइज करेंगे तो व्हाट टाइप ऑफ, मतलब क्या प्रोसीजर होगा, क्या स्टेप्स होंगे. तो एस्टिमेशन इज रिक्वायर्ड, रिटर्न इंटरवल इज रिक्वायर्ड एंड बेंचमार्क इंडेक्स इज रिक्वायर्ड. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो डेली के रिटर्न, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कि डेली परसेंटेज चेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि मेरी नेगेटिव रिटर्न्स है या फिर क्या है पॉजिटिव, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा के अंदर हमने रिटर्न्स को एनालाइज करना है. तो हाउ टू कैलकुलेट डेली फ्लक्चुएशंस, तो डेली परसेंटेज चेंज इक्वल टू टू डेज प्राइस, कि आज क्या है उसका प्राइस, माइनस यस्टरडेज प्राइस, तभी तो चेंज आएगा ना, डिवाइडेड बाय यस्टरडेज, हमेशा बेस लेते हैं, बेस क्या है यस्टरडेज प्राइस, मल्टीप्लाइड बाय, तभी तो परसेंटेज आएगा. तो डेली परसेंटेज चेंज वी शैल कैलकुलेट फ्रॉम द हिस्टोरिकल डेटा, जो डेटा गिवन है कल का और आज का, टू डेज प्राइस माइनस यस्टरडेज प्राइस डिवाइडेड बाय यस्टरडेज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये आपने कंप्यूटेशन करनी. अब कंप्यूटेशन होगा कैसे, डेटा कहां से आएगा, तो आप नोट डाउन करेंगे स्टेप्स को, कि कैसे हम डेटा रिक्वायरमेंट, कि सपोज वी आर टेकिंग शेयर ऑफ एप्पल कंपनी, मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा मान लो एप्पल में, APPL उसका सिंबल है, जो शेयर मार्केट पे आप देखते हैं जब सिंबलाइज, न्यूज में भी आप देखते होंगे नीचे वो स्ट्रिप चलती रहती है, उस पर APPL लिखा होता, तो उसका जो सिंबल है एप्पल कंपनी जो लिस्टेड है APPL,
अब मैंने उसकी सिक्योरिटीज ले ली, वो मेरी इंडिविजुअल रिटर्न्स। मार्केट में क्या चल रहा है वो वहां देखेंगे बेंचमार्क इंडेक्स पे। तो सबसे पहले क्या है कि ओपन वेबसाइट ऑफ याहू, yahoo.com ओपन करेंगे। सबसे पहला काम ओपन yahoo.com, क्लियर, एंड क्लिक ऑन फाइनेंस हाइपरलिंक, क्लिक ऑन फाइनेंस हाइपरलिंक। वहां पे आप देखेंगे लेफ्ट साइड में लिंक बने होते हैं। जब याहू डॉट, मैं भी दिखा, देखो दिस इज फाइनेंस लिंक, क्लिक ऑन दिस लिंक, तो देखो डिफरेंट प्राइसेस आर बीइंग शोन बाय दिस वेबसाइट, बीएससी, निफ्टी, यूएस डॉलर, डाउ इंडेक्स, नेस्टेक। चेंज कर दिया इसने भी, तो इस तरह फाइनेंस में जाएंगे। जो भी सिक्योरिटी, जैसे आपको बताया एप्पल, कोई भी एक चूज कर लो, तो यहां डालेंगे जैसे एप्पल का डेटा आपको चाहिए, ए डबल पी एल, देखो ये आ गया। तो ये प्राइसेस आपको देखो शो हो रहे हैं, नहीं हो रहे, नहीं हो रहे ना। अब हिस्टोरिकल डेटा देखो लिखा हुआ, ये हिस्टोरिकल डेटा पे क्लिक किया, टाइम पीरियड अभी हमने लिखा था यहां पे, फर्स्टली एस्टिमेशन आपने करना है शॉर्ट टाइम या लॉन्ग टाइम, नेक्स्ट रिटर्न इंटरवल्स, कब से कब तक का डेटा रिक्वायर्ड है। तो इस पर क्लिक करेंगे, यहां पे डेट चेंज कर सकते हैं, देखो जिस भी पर्टिकुलर डेट का डेटा आपको क्या है रिक्वायर्ड है वो डालेंगे। मान लो हमें चाहिए 21 दिसंबर से, December 2017, ये डेटा आपको क्या है रिक्वायर्ड। तो डन, तो डाउनलोड डेटा पे देखो क्लिक करेंगे, देखो सर्च में जाना है, जो भी कंपनी आपको रिक्वायर्ड है जैसे एप्पल ओपन किया आपने, आ गया देखो। उसके बाद आपको क्या हिस्टोरिकल डेटा पे क्लिक करना है, डेट पे क्लिक करना है, अभी नेट थोड़ा डाउन है, तो यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो आपको डेटा यहां से क्या एक्सेल शीट आ जाएगी, डॉट सीएसवी फाइल आती है, ये ध्यान रखना, कभी डर जाओ आपने कहा था एक्सेल आएगी, ये तो डॉट सीएसवी आ गया, एक ही बात है। तो सीएसवी ओपन उसी से होगी, एक्सेल से। सिमिलरली हम यहां पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जैसे एनएससी या बीएससी, एप्पल बीएससी पे एप्पल के प्राइसेस, एक बेंचमार्क इंडेक्स आपको लेना है वो ले लेंगे, उसके प्राइसेस भी आ जाएंगे। तो दोनों के प्राइसेस को हम क्या करेंगे एक्सेल शीट में डालेंगे। देखो अभी मैं एक्सेल करके दिखा रहा हूं आपको, एक्सेल शीट पे डाल लेंगे दोनों के प्राइसेस, बेंचमार्क इंडेक्स के भी आ गए और एप्पल के भी। आपने इंडिविजुअल सिक्योरिटी रिटर्न्स भी ले ली एक पर्टिकुलर पीरियड की। देखो यहां हमने लिखा प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई, वाई का मतलब बेंचमार्क इंडेक्स पे आपने ले लिए। तो जो भी प्राइसेस हैं, जस्ट आई एम टेकिंग हाइपोथेटिकल डेटा, अपने आप बना रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ये हमने 5 डेज के प्राइसेस ले लिए, सपोज 21st of December 2017, तो ये ले लिया। उसके बाद प्राइसेस ऑफ वाई आपने डाल दिए, कुछ भी डाल सकते हैं।
तो अभी आपको बताया हम स्लोप फंक्शन यूज कर सकते हैं, इक्वल टू स्लोप, जहां भी आपको लगाना है सिर्फ एक्टिव सेल रखनी, इक्वल टू स्लोप ब्रैकेट स्टार्ट। देखो पहले वाई के लेंगे, फॉर्मूला क्या था, नोन वाई जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, कॉमा नॉन एक्स, जो भी आपने जूम किया देखो एक्स, दोनों की रेंज दे दी आपने। रेंज कैसे देंगे, देखो ई फाइव से लेके ई यहां तक, ई फाइव टू ई नाइन दैट इज वाई, एंड डी फाइव टू डी नाइन दैट इज एक्स, एंटर कर दो। देखो मोर देन वन आ रहा फ्लक्चुएशन, व्हाट डज इट मीन, कि द इन्वेस्टर इज रिस्क सीकर, बीटा इज ग्रेटर देन वन, व्हाट डज इट शो, आपको एनालाइज करना है। तो बीटा ग्रेटर देन वन मींस रिस्क टेकर, रिस्क सीकर। अब व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस रेंज, कि आपने यहां रेंज दिया, देखो दिस इज कॉल्ड रेंज, ई फाइव टू ई नाइन, डी फाइव टू डी नाइन। अगर आप कोई भी डेटा चेंज करेंगे, देखो सपोज हमने इसको चेंज किया, देखो ऑटोमेटिक चेंज आएगा, रेंज का बेनिफिट ये होता है, कहीं भी आप चेंज करेंगे, सपोज आपने प्राइसेस 22 किए तो देखो चेंज हो गया। तो ये स्लोप फंक्शन आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया, क्वेश्चनियर एनालिसिस करवा दिया नहीं करा, तो क्वेश्चनियर बना के आनी है, ओनली 10 क्वेश्चंस यू हैव टू टेक इन दैट क्वेश्चनियर, ओनली 10 क्वेश्चंस, नॉट मोर देन दैट। अब क्या बनानी है, देखो छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूं, साथ साथ नोट करते जाएंगे, कि सपोज एक जस्ट इट इज एन इंस्टांस, जो मैं आपको बता रहा हूं इंस्टांस है, सिर्फ एक एग्जांपल है, इसी तरह बनेगी, कहने का मीन्स ये है, सपोज अ पर्सन लाइक मी है ना, वॉन्ट टू नो द परसेप्शन ऑफ द पीपल ऑफ पानीपत अबाउट द प्लास्टिक मनी और अबाउट द ऑनलाइन बैंकिंग, बिकॉज द पीपल अफ्रेड ऑफ दीज न्यू इंस्ट्रूमेंट्स। यस्टरडे समवन हैज टू पे हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो उसने मुझे बोला आप अपना यूज कर लो कार्ड। तो ये थोड़ी सी, तो हम प्रिसेप्शन देखते हैं कि वेदर द पीपल ऑफ पानीपत गो फॉर ऑनलाइन बैंकिंग और दे यूज कन्वेंशनल बैंकिंग, कि बैंक के अंदर जाएंगे, चेक लगाएंगे, कैश लेंगे, फिर घर जाएंगे। तो एक ये देखनी है। तो सबसे पहले हम अपनी क्वेश्चनियर के पार्ट करते हैं, टू पार्ट्स। अब कंप्यूटर को इंग्लिश तो समझ में आती नहीं है ना, कंप्यूटर रहा बेचारा अनपढ़, हम पढ़े लिखे है ना, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ जीरो एंड वन, दीज आर बाइनरी डिजिट्स, शॉर्ट में हम बिट्स बोलते हैं, बी आई बाइनरी टी एस डिजिट्स, तो बन गया बिट्स। तो ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड 1 बाइट। तो अब कंप्यूटर बेचारा 0-1 ही समझेगा ना, ऑन एंड ऑफ टॉर्च की लाइट होती है, ऑन एंड ऑफ करते हैं, दैट इज 0 एंड 1, जब ऑफ होगी तो 0, ऑन होगी तो 1। तो इसलिए फर्स्टली हम अपनी क्वेश्चनियर के डाटा को क्या करेंगे, कोडिफाई करेंगे, कोडिंग में चेंज करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर बेचारे को डिजिट समझ में आते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी क्वेश्चनियर के पार्ट्स करते हैं, वन इज डेमोग्राफिक वेरिएबल, डेमोग्राफिक का मीन्स नेम ऑफ दैट रिस्पोंडेंट्स, जिसका डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं उसका नाम क्या है। तो फर्स्ट जो पार्ट होगा पार्ट ए, दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफिक डिटेल्स ऑफ अ रिस्पोंडेंट। तो डेमोग्राफिक डिटेल आप फिल करेंगे, तो सपोज सबसे पहले आपने नेम ले लिया है ना, उससे भी पहले क्या करेंगे, क्वेश्चनियर का नंबर होगा, सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे क्वेश्चनियर नंबर, जैसे 101, 123, जो भी आप स्टार्ट करना चाहें, क्योंकि हमने उसने नाम दे दिया उस, मतलब ये मिस्टर एक्स की थी तो 101 है, मिस्टर वाई है तो 102 है, तो क्वेश्चनियर का नंबर, देन नेम। अब उसकी हमने एज, अब द पंगा इज दिस,
है ना? हाँ, तो यू आर द मास्टर ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च. आपने उसमें स्केलिंग पढ़ी थी स्केलिंग. डिफरेंट टाइप के स्केल्स थे. नॉमिनल स्केल था, ऑर्डिनल स्केल था, और इंटरवल स्केल था, और रेशियो स्केल था. यही स्केल थे. वो मुझे नहीं करना अभी, बाद में करेंगे. गुटमैन स्केल, लिकर्ट स्केल एंड ऑल दिस. नॉमिनल स्केल कि जब आपको सिलेक्शन करनी है वन और टू, कि इधर चॉइस वन विल बी सिलेक्टेड बाय द रेस्पोंडेंट और चॉइस टू थ्री विल बी सिलेक्टेड बाय द रेस्पोंडेंट. दिस इज कॉल्ड नॉमिनल स्केल. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लाइक दिस डिस्क्रीट वेरिएबल्स. नंबर टू ऑर्डिनल स्केल. यूटिलिटी पढ़ा था कभी इकोनॉमिक्स में, है ना? यूटिलिटी सब्जेक्टिव फील कर सकते हैं. उसका कार्डिनल मेजरमेंट नंबर में एक्सप्रेस नहीं हो सकती यूटिलिटी. ऑल्दो मार्शल ने लिख दिया कि अगर आप एक एप्पल खाते हैं तो वन यूटिल की आपको क्या मिलेगी, है ना? मैं ये थोड़ी कहूंगा मुझे एक एप्पल खाने से 100 ग्राम की यूटिलिटी मिली, है ना? हाउ कैन इट बी मेजर्ड? कैन बी फील, इट कैन बी फेल्ट ओनली. सब्जेक्टिव है. भागवत वो हिंदी में लिखा रहता है शायद. तो ऑर्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल है कि मैंने सेम मुझे बहुत अच्छा लगता है नंबर वन, है ना, बनाना, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे गवावा, इसी तरह अदर फ्रूट्स. तो वी कैन गिव द रैंक्स, है ना? कार्डिनल मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल. ऑर्डरिंग कर सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरह से, है ना? ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होते हैं, तो आप उसमें रैंकिंग ही तो करते हो, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री. ये थोड़ी कहते हैं 100 ग्राम ड्रेस अच्छी थी उसकी, है ना? इस तरह हम कभी नहीं बोलते हैं. तो इस तरह के जब क्वालिटेटिव डेटा है तो ऑर्डिनल स्केलिंग यूज होता है. इसलिए नाम ऑर्डिनल. ऑर्डिनल का मतलब ऑर्डर. इंटरवल की जैसे 1 to 10 ईयर्स, 10 to 20, तो ये क्या हो गई? इंटरवल स्केलिंग. अब जब मैंने खाली छोड़ दिया, एज, एज के आगे एक ब्लैंक दे दिया मैंने कि यू हैव टू फिल योर एज, कि वेदर यू आर ऑफ 10 ईयर, यू आर ऑफ 12 ईयर्स और अदर, तो दिस इज कॉल्ड रेशियो स्केल. कि जब आप खुद से डेटा क्या करेंगे, फिल करेंगे, तो इसके लिए हम रेशियो स्केलिंग क्या करते हैं, यूज करते हैं. तो एज मार्क कर दो आगे, ब्लैंक छोड़ देते हैं, वो अपना फिल कर देगा. तो इसके लिए कौन सा स्केल यूज होगा? रेशियो स्केल यूज करेंगे. क्लियर हो गई स्केलिंग? तो ऐसे तुम पढ़ के ही आए हो, है ना? कुछ आप बताने की जरूरत नहीं होती. और जेंडर नॉमिनल स्केल पे मेजर करेंगे. मेल एंड फीमेल अदर्स भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है ट्रांसजेंडर आप यूज करेंगे उसके लिए. बट हमने क्या करना? मेल एंड फीमेल. अब मेल को हम कोड देंगे 1 और फीमेल को देंगे 2. दिस इज कॉल्ड नॉमिनल स्केल. ठीक है, तो मेल के लिए क्या लिखेंगे? 1 इफ यू आर फीमेल, देन 2. तो उसको रेस्पोंडेंट को बताना तो पड़ेगा ना कि 1 फॉर मेल और 2 फॉर फीमेल, अदरवाइज तो कुछ भी टिक कर देगा, बाद में बताएगा मैं तो मेल था जी. दिस इज द प्रॉब्लम. तो उसके सामने हम कोडिंग लिख देंगे कि मेल फॉर 1 एंड फीमेल फॉर 2. हो गया जेंडर. उसके बाद ऑक्यूपेशन डिटेल्स, एम्प्लॉयमेंट क्या है, कि वेदर ही इज अ बिजनेसमैन नंबर 1, वेदर ही इज अ सर्विसमैन नंबर 2, अदर्स नंबर 3. इस तरह हमने कर दिया 1 2 3. हमने स्केल नॉमिनल स्केल ही यूज किया इसके लिए भी, कि व्हाट इज योर प्रोफेशन, कि यू आर व्हाट आर योर सॉरी ऑक्यूपेशन डिटेल्स. तो बिजनेसमैन, सर्विसमैन और अदर्स, कि हॉकर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो ये हमने उसका ऑक्यूपेशन डिटेल ले लिया. उसके बाद इनकम की डिटेल दे दी हमने. अब इनकम की हम डिटेल दे देते हैं जैसे अप टू 1 lakh नंबर 1, 1 lakh to 5 lakh नंबर 2, मोर देन 5 lakh नंबर 3. आप किसके अंदर आते हैं अपने बता देगा, मर्जी आपकी. रेशियो स्केल यूज कर सकते हैं कि आप खुद ही फिल कर दे मेरी इनकम कितनी है, बट कोई करेगा नहीं, है ना? इनकम कोई बताता नहीं है अपनी. और वैसे भी हमारे तो शास्त्र कहते हैं लड़की से उसकी उम्र और लड़के से उसकी सैलरी पूछनी चाहिए.
तो हम पूछते भी नहीं, 1 2 3 तो जहां भी आएगा तो उसमें डाल देंगे। तो ये 1 2 3, तो दिस इज कॉल्ड डेमोग्राफिक डिटेल, कि हमने उसका जेंडर लिया, हमने उसका नेम ले लिया, एज ले ली, सिमिलर अदर फैक्टर्स जो भी डेमोग्राफिक वेरिएबल्स थे। पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट टू, अब जो मेरा ऊपर हेडिंग था, टाइटल था मेरे रिसर्च का, कि प्रिसेप्शन ऑफ पानीपत पीपल, पीपल ऑफ पानीपत अबाउट ऑनलाइन बैंकिंग। अब सेकेंड पार्ट यही चलेगा कि प्रिसेप्शन अबाउट ऑनलाइन बैंकिंग। सॉरी, ऊपर हमने हेडिंग लगा दी, ठीक है। अब इसमें हम 2 4 5 क्वेश्चन स्टेटमेंट डाल देते हैं, स्टेटमेंट्स बोलते हैं हम इनको। देखो किस तरह से स्टेटमेंट आएंगे, मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं। सेक्टर, इसलिए मैंने ऊपर लिखा है सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैकल्टी मेंबर। ये क्वेश्चनियर के थ्रू आया डेटा कि 78% मेल थे और 21% जो है वो फीमेल थी। ये तो बाद में एनालाइज किया जब क्वेश्चनियर फिल हो गई। इसी तरह एज एंड ऑल अदर जो भी वेरिएबल्स हैं। नीचे देखो हमने लिया ये दीज आर कॉल्ड स्टेटमेंट्स कि ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज टैलेंट, कॉम्पिटेंसी मैपिंग इज हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। कि कॉम्पिटेंसी मैपिंग ऑर्गेनाइजेशनल कितना हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट, कि मेरा तो हो ही हो इंडिविजुअल, साथ में ऑर्गेनाइजेशन का भी होगा, क्योंकि अ गुड एम्प्लॉई, अ कॉम्पिटेंट एम्प्लॉई इज एन एसेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, सेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इज ए पार्ट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, कि होना चाहिए, है नहीं, कि जब आपको हम जॉब डिस्क्राइब करते हैं तो कॉम्पिटेंसीज मस्ट बी द पार्ट, कि वेदर यू आर वेल कन्वर्सेंट विद इंग्लिश, हिंदी, अदर लैंग्वेज, वेदर यू आर वेल कन्वर्सेंट विद द कंप्यूटर्स और आईटी टेक्नोलॉजीज, जो भी है एप्स आना चाहिए, यह आना चाहिए, तो वो क्या, कॉम्पिटेंसीज मस्ट बी द पार्ट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। सीक्स जॉब एनरिचमेंट, क्योंकि वो सेटिस्फाई रहेगा, आप भी सेटिस्फाई, वो भी, तो जॉब एनरिचमेंट क्या होगी, इंक्रीज होगी ड्यू टू हाई कॉम्पिटिशन। और उसके बाद ये तो मेरे एनालिसिस हो गया, इसमें हम 5 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम क्या होगा, स्टेटमेंट का, इसके बाद 5 कॉलम्स होंगे, बनाओ टेबल फॉर्म में। ये तो एक्चुअली एनालाइज हो रखा है ना डेटा, ये देखो पेपर का नाम ये है, ये तो डेटा एनालिसिस हो चुका है। ये डिफरेंट देखो मेरी 29 स्टेटमेंट्स हैं टोटल, आपने ज्यादा नहीं डालनी है, 5 6 10 डाल लेना बहुत है। और ये कंपलसरी है हर एक के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चनियर आपकी फाइल में लगेगा, क्वेश्चनियर फाइल में लगेगा, इसलिए प्रिपेयर इट केयरफुली। तो इसमें आपको करना क्या है, आप 5 स्टेटमेंट ले ली, कोई भी 5 10 स्टेटमेंट जो आपको अच्छी लगे, अब उन 5 कॉलम्स में क्या लिखना है। लिकर्ट स्केल आपने पढ़ा था, लिकर्ट स्केल 5 पॉइंट भी हो सकता है, लिकर्ट स्केल 7 पॉइंट भी हो सकता है, तो हम यहां 5 पॉइंट्स यूज करेंगे, इसलिए हमने क्या दिया है, 5 पॉइंट दिया है, इसलिए हमने इसको क्या लिया, 5 पॉइंट स्केल पे चला रहे हैं। फर्स्ट होगा आपका स्ट्रांगली एग्री, फर्स्ट कॉलम में स्टेटमेंट छोड़ के जो नेक्स्ट कॉलम में स्ट्रांगली एग्री, उससे नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखो एग्री, उससे नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखो अनडिसाइडेड या अनसर्टेन या न्यूट्रल, कुछ भी लिख सकते उससे, नेक्स्ट में लिखो स्ट्रांगली डिसएग्री, स्ट्रांगली सॉरी पहले डिसएग्री फिर स्ट्रांगली डिसएग्री।
अब अभी बताया कंप्यूटर को इंग्लिश तो समझ में आती नहीं, फिर कैसे समझेगा मैं स्ट्रांगली एग्री हूं स्ट्रांगली डिसएग्री हूं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। स्ट्रांगली एग्री को देंगे 5, एग्री को देंगे 4, उसको 3, उसको 2, उसको 1, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में 5, 4, 3, 2, 1। इस तरह हमने क्या है अपनी क्वेश्चनियर प्रिपेयर कर दी। अब इसमें हम स्टेटमेंट्स क्या करेंगे, एंटर करेंगे, जो वेरियस स्टेटमेंट्स हैं वो हम डालेंगे कि आप एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं, वो तो मेरा रेस्पोंडेंट करेगा, मुझे तो क्या है उसको देनी है भाई, फिल कर दो। अगर कोई प्रॉब्लम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनियर एंड इंटरव्यू शेड्यूल, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, दोनों सेम होती हैं। फेस टू फेस जब करेंगे दैट क्वेश्चनियर इज कॉल्ड इंटरव्यू शेड्यूल, और जब आप बाय मेल बाय ईमेल बाय सिमिलर अदर मोड तो दैट इज कॉल्ड क्वेश्चनियर। फेयर एंड लवली अगर आप लेंगे, है ना, हम तो ना लवली है ना फेयर है, तो उसमें एक क्वेश्चनियर निकलता है कि आपने इसको क्यों चूज किया, और भी अदर प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो बेसिकली वो देखना चाहते हैं कि कस्टमर किस तरह का प्रोडक्ट, उसकी परसेप्शन क्या है हमारे प्रोडक्ट के लिए। तो अब इसमें हम स्टेटमेंट देखो लिख सकते हैं, कुछ स्टेटमेंट में बता रहा हूं। स्टेटमेंट नंबर वन लेफ्ट साइड में लिखेंगे, वहां तो जो भी रेस्पोंडेंट का रेस्पॉन्स होगा वो नोट डाउन होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी है, देखो, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेस आर लेस कॉस्टलियर ठीक है, एक काम तो ये हो गया कि लेस कॉस्टलियर, क्योंकि अगर आप पेटीएम से पेमेंट करते हैं, आजकल तो पेटीएम भी बैंक हो गया, तो उसमें आप क्या करते हो, देखो ऑनलाइन बैंकिंग है, वो भी एक तरह से ऑनलाइन बैंकिंग मोड है, या अदर वैलेट्स, दीज आर कॉल्ड, जिसमें आप पैसे रखते हैं वो वैलेट्स होते हैं, जैसे भीम ऐप है गवर्नमेंट का, भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसलिए भीम है। अदर ऐप भी आते हैं, पहले देखो कितना अच्छा रिफॉर्म हम कह सकते हैं, पहले ये बैंक की सारी सर्विसेज होती थी IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, उसी को उठा के UPI बना दिया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको भीम पेटीएम ऐप बोल देते हैं हम लोग, IMPS सर्विसेज होती थी पहले ये, तो लेस कॉस्टलियर है, क्योंकि उसमें वो लिखता है कि अगर आप पेमेंट करेंगे 100 रुपीज कैशबैक, तो हम लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर 400 रुपए का रिचार्ज कराना, 100 आपके कैशबैक आ गया तो 300 का ही हुआ ना, मार्केट में जाते हैं तो पूरे 400 लगते, तो इसलिए लेस कॉस्टलियर है। नंबर टू आप लिख सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज आर वेरी इजी सर्विसेज, इस तरह लिख सकते हैं कुछ भी, ऑनलाइन बैंकिंग इज इजी टू हैंडल लिख सकते हैं, कुछ भी, वो तो आप पे डिपेंड करेगा कि आप अपनी कितनी एबिलिटी उसमें यूज करते हैं लिखने में उसको। नंबर थ्री, इट इज कन्वीनियंट बिकॉज इट इज कन्वीनियंट बिकॉज इट एलिमिनेट्स द रिस्क ऑफ कैरिंग कैश तो कैश कैरी करना सबसे टिपिकल है कि रास्ते में कोई रॉबरी हो जाए, कोई लूट ले, गिर जाए, कुछ भी हो सकता है, तो मैं तो देखो अपना ही एक एग्जांपल देता हूं, पहले भी यूज करता था, अब उससे ज्यादा यूज करने लग गया, मैं नहीं कैरी कैश, कैश कैरी नहीं कर सकता, मतलब सीधा कार्ड दिया ये काट ले, मैसेज आ जाता है पता ही है, नहीं तो ऐप से चेक कर लेंगे कितना डिडक्ट हुआ है बैलेंस,
तो बिलिंग पे कोई भी बिल पेमेंट करना है, रिचार्ज करना है, सब उससे। बस रिक्शा वाला लेता नहीं तो मैं उसको भी इसी से दूँ। बस में जो टिकट होती है वो भी नहीं, इससे भी फिलहाल तो नहीं है ऑप्शन। नेक्स्ट पांच चार स्टेटमेंट में बताता हूँ, इस तरह मतलब आपको लिखनी है कि आई एम सेटिस्फाइड। इस तरह लिख सकते हैं, आई एम सेटिस्फाइड विद ऑनलाइन बैंकिंग बिकॉज आई डू नॉट हैव टू गो, आई डोंट हैव टू गो टू बैंक, आई डोंट हैव टू गो टू बैंक, और लिख सकते हैं टाइम सेविंग। टाइम भी तो वन लाइनों में लगेंगे, जाना पड़ेगा सबसे पहले, मान लो मेरे घर से फार अवे है, दूर है, पहले तो वहां जाओ इतनी दूर, है ना, फिर लाइन में लगो, फिर टाइम खराब, ऑफिस का टाइम भी जाएगा, तो टाइम सेविंग। तो इस तरह आप, तो ये रेस्पोंडेंट बताएगा कि ही स्ट्रांगली एग्री विद दिस, डिसएग्री विद दिस, और कैन नॉट से अनडिसाइडेड, न्यूट्रल या अनसर्टेन है, या डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। कि जब वो ये कहता है ना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो दैट इज स्ट्रांगली डिसएग्री, जब वो खाता है पसंद ही नहीं है यार, तो वो डिसएग्री। इसलिए हमने दो वर्ड यूज करते हैं, स्ट्रांगली एग्री, एग्री डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री। तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चनियर, लास्ट में उसके सिग्नेचर बिल्कुल लास्ट साइन करा लेंगे, वन पेज, इससे ज्यादा नहीं बनानी। तो कम से कम 10 क्वेश्चनियर आपको फिल करानी है ना, 10 क्वेश्चनियर बनानी भी है और फिल भी करानी है, क्योंकि एनालिसिस तभी होगा एक्सेल में जब आप फिल कराएंगे, अदरवाइज एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल। तो मैं तो 10 कह रहा हूं, होनी तो ज्यादा चाहिए, क्योंकि जितना सैंपल साइज स्मॉल होगा रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होते कभी, जितना बड़ा होगा तो रिजल्ट एक्यूरेट आता। चलो हमने तो आपको जस्ट एक इंस्टांस देना है कि हाउ टू एनालाइज क्वेश्चनियर थ्रू एक्सेल, तो इसलिए एक छोटा सा इंस्टांस ही है, टाइप करके उसका प्रिंट ले लो, बस हो गई 10 एक ही बार में, बस उसको खुद से फिल कर लें 10 एक बंदे, कोई रीना कोई टीना कोई मीना, इस तरह से बना देंगे, है ना, कोई एग्री कोई डिसएग्री। हमें तो जस्ट एनालिसिस करना है, हमें कुछ नहीं करना है इससे कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। क्लियर हो गया, तो रेस्ट वी विल डू टुमारो।